वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एनके लॉ पॉइंट। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस चैनल पे दी जाने वाली फ्री लीगल एडवाइस, बेसिक लीगल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पा रही है, आपको पसंद आ रही है, आप लाइक शेयर कमेंट कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए। दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि क्या पब्लिक प्लेस में किसी भी तरीके की ब्लू फिल्म देखना या कोई इस तरीके के गाने सुनना या किसी महिला की लज्जा को भंग करने वाले गाने गाना क्या उचित है, क्या ये एक इलीगल एक्ट है, कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई इलीगल एक्ट करता है क्या उसको सजा दी जा सकती है। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि अगर किसी भी पब्लिक प्लेस में कोई भी व्यक्ति ब्लू फिल्म देखता है या कोई अश्लील गाने सुनता है या अश्लील गाने गाता है या कोई अपना प्राइवेट पार्ट प्रदर्शित करता है तो वह इलीगल होता है और उस व्यक्ति को सजा दी जा सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा अपराध करता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। अब दोस्तों, जानते हैं कि मान लीजिए किसी पार्क में कोई व्यक्ति ब्लू फिल्म देखता है और वो इनडायरेक्टली किसी महिला को, किसी लड़की को वो दिखाने की कोशिश करता है या अपने फोन की वॉल्यूम इतनी खोल लेता है कि उसके फोन की वॉल्यूम उस महिला को, स्त्री के कानों तक पहुंचती है या खुद वो अश्लील गाने गाता है, तो दोस्तों ये एक अपराध की श्रेणी में आता है और उस व्यक्ति को आईपीसी सेक्शन 294 आईपीसी के तहत और 509 आईपीसी के तहत 3 महीने तक की सजा हो सकती है और उस व्यक्ति को आर्थिक दंड से भी दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि हमारे आसपास अगर कोई ऐसा इलीगल एक्ट होता है, अगर कोई ऐसा अपराध होता है तो आपको आवाज उठाना जरूरी है उस व्यक्ति को सजा दिलवाने के लिए। दोस्तों, इसमें बेसिक चीज़ें ये होती है कि मान लीजिए कोई ब्लू फिल्म देखता है और उसको इनडायरेक्टली किसी महिला को दिखाने की कोशिश करता है या अपने फ़ोन की वॉल्यूम इतनी खोल लेता है जिससे कि उसके फ़ोन की वॉल्यूम उस महिला के, उस लड़की के कानों तक पहुंचती है या कोई इमेज दिखाता है या कोई अपना प्राइवेट पार्ट प्रदर्शित करता है या अश्लील गाने गाता है तो ये अपराध होता है और उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों, इस हमें जो ये बेसिक लीगल इन्फॉर्मेशन है इससे अवेयर रहना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम अपने पास नॉलेज रखेंगे तो हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकते हैं। अगर हमारे आसपास कुछ भी ऐसा इलीगल एक्ट होता है तो हम उस व्यक्ति को सजा दिलवा सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। दोस्तों, नॉलेज इज पावर। तो दोस्तों, आप समझ पाए होंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा इलीगल एक्ट करता है, ऐसा अपराध करता है तो कैसे हम उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो होप दोस्तों आपको इस वीडियो से पता चल पाया होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके का अपराध करता है, पब्लिक प्लेस में इस तरीके का अपराध करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 294 सेक्शन के तहत और 509 सेक्शन के तहत कार्रवाई की जा सकती है और उस व्यक्ति को 3 महीने की सजा और आर्थिक दंड से दंडित किया जा सकता है। तो होप दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अगर चैनल में नया विजिट किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी लीगल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।